कैसे आप सब? आप सबको अनिल की तरफ से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो भाई आज का व्लॉग अपना स्टार्ट हो रहा है करगिल से। हम हैं करगिल और अपना आप सफर को पता ले जा रही लद्दाख वापिस एफ से ही लोड करके, उसके बाद देखते हैं सेव वगैरह कैसा पोजीशन रहेगी। तो अभी हम उठे, 8 बज गए, मुआ धोया, बस अब यहाँ पे ना ढाबा है वहाँ से मैं चलना दो, क्योंकि हमारे साथ दो गाड़ियाँ तो बंदे हम हो गए भाई टोटल 7-8। तो अगर ऐसे चाय पियेंगे देखो 8 बंदों के 80 रुपये चाय के, बाकी कुछ खाएंगे तो लंबा हो जाएगा। 10 रुपये का दूध आएगा, अपने पास चीनी सब पड़ा है तो अपने बनाएंगे, अदरक वगैरह पड़ी, अच्छे से चाय बनाएंगे, आगे रुक के कहीं पियेंगे चाय। क्या खूबसूरत पहाड़ है, और यहाँ पे चाय बन रही है अपनी गाड़ी में सबके लिए, जब साथ गाड़ी क्या चाय का मज़ा है यार, सुकून है यहाँ पे यार। चाय गाड़ी को तो पैसे कम बचते हैं ना, बल्कि कुछ सुकून आया था, कोई इतने हारन नहीं, पी पा पों कोई शोर शराबा नहीं, आप आराम से आओ। यहाँ रुक गए भाई पहाड़ों में, यहाँ बैठेंगे आराम से, धूप थोड़ी धूप का मज़ा लिया जाएगा, फिर साथ में चाय पियेंगे, फिर निकलेंगे। सभी गाड़ियाँ रुक गई साथ में, डालो चाय यार पकड़ाओ भैया। कभी कभी ऐसी आती है ना, तो मतलब गाड़ी चल रही होती है तो गाड़ी का मोशन टूट जाता है। अभी देखेंगे हम गौरव को गाड़ी ना पहाड़ों में, तो ये नहीं कि पूरी अकेले देंगे, क्योंकि अभी गौरव फुल ट्रेंड नहीं है, यहाँ पे है ना टर्न है बहुत ज़्यादा, तो गौरव ने साथ में बिठा के, तो मैं भी साथ में बैठा रहूँगा, तो हम गाड़ी देंगे गौरव को स्टेयरिंग का थोड़ा समझ आए। अब आप बोलो गाड़ी भाई, आप यहाँ पे गाड़ी क्यों दे रहे हो, रिक्स ले रहे हो, ऐसा है भाई, देखो घर से सीखने आया हमारे पास, मतलब मैं हम ही सिखाएंगे अब ना, अब ऐसी कुछ जैसे यहाँ पे ट्रैफिक कम है और सुबह का टाइम है, और मैं ना अभी साथ बैठा हूँ, कंट्रोल मेरे पास भी है, तो ये धीरे धीरे सीख पाएगा। यहाँ पे अकेले चार लेते वापस अकेले जाते गाड़ी, और आपने देखा पिछली बार मैंने गाड़ी सुबह इसको 3 बजे बठिंडा है, बठिंडा से अमृतसर तक, क्योंकि वो रोड सही थी और वहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था। बस पहाड़ों में ऐसा है ना कि गाड़ी एकदम से टॉप गियर में चढ़ रही है, तो एकदम आपको 2 या 3 नंबर पर आना पड़ेगा, एकदम से ऐसे खड़े पर चढ़ाया जाएगी ना, उसके हिसाब से टाइमिंग चाहिए गियर के लिए, आराम से गियर लगाना। खूबसूरत मौसम के साथ बच गए भाई सुबह के 10, और हम चल ही रहे थे तो पवन ने कहा मैगी बना लेते हैं, खाना लेट ही खाएंगे, फिर मैगी देखो 5-6 पैकेट मैगी, प्याज लाया गौरव, बस गौरव ने अपना काम कर दिया स्टार्ट, ऊपर टॉप पे खाएंगे तो बन जाएगी आराम से, क्योंकि मैगी बनने में 2-4-10 मिनट लग जाते हैं, जो 2 मिनट वाली मैगी है वो सिर्फ बॉयल करते हैं हम, इसे प्याज वगैरह लगा अच्छे से बनाएंगे। चल रही है बिल्कुल स्लो ना, 15 RPM पे गाड़ी, कम से 15 स्पीड पे चढ़ाई है पूरी, तभी दी मैंने गौरव गाड़ी यहाँ पे, क्योंकि ऐसे ही सीख पाएगा इंसान, यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं है, और शीशे पे ध्यान रखना यहाँ पे, मैन चक्कर शीशों पे किसी की साइड वगैरह ना दबाने हो, यहाँ पे होती है भाई जगह देखने के लिए कि देखिए अभी यहाँ पे तो फिक्स रोड मिल रही है, वो देखना कि उस शीशे में कितना फर्क है टायर को और वो पट्टी को, क्योंकि पट्टी बराबर पड़ी है, तो दोनों शीशे में पट्टी देखेगा तो गाड़ी सेंटर में अपने आप ही आ जाएगी। और जब ज्यादा अगर कोई पीछे से गाड़ी आ रही है अगर उसके चक्कर में, तो अपनी गाड़ी तेरा ध्यान बढ़ गया, तूने अपनी लाइन में चलना, वो खुद ओवरटेक कर रखा तो उसको जगह मिलेगी, बस तूने उसकी साइड नहीं दबानी है। और यहाँ पे काट रहा है प्याज और टमाटर, मुझे है भाई नमकीला, गौरव फर्स्ट टाइम लद्दाख में गाड़ी चला रहा है पहाड़ों में, अभी तो ठीक ही चला रहा है। चलो ध्यान से ध्यान से, अबे मोड़ मुड़ेगी 3 नंबर नहीं, और हम पहुंच गए भाई नमकीला टॉप, 12,198 फीट। यहाँ पे टूरिस्ट रुके तो वहाँ आगे, फिर वो टूरिस्ट रुकते हैं तो उनकी जगह थी, अगर हम ट्रक वहाँ पार्क कर देंगे तो वहाँ पूरी जगह ही बंद लॉक हो जाएगी, तो हमने यहाँ साइड में पार्क कर दिया और पीछे ही, और अपनी गाड़ियाँ दो पीछे से आ रही हैं, और मैगी भी अपनी हो गई रेडी, ऐसा मौसम और मैगी का मज़ा। आ गई भाई दूसरी गाड़ियाँ भी और मैगी भी होगी तैयार, गाड़ियाँ अच्छे से पार्क नहीं हुई थी, पीछे वाली गाड़ी थोड़ी बाहर थी, तो गौरव ने की गाड़ी आ गई यहाँ पे, आज का हम छोटी मोटी काम जैसे है ना गाड़ी चलाने का गौरव को देते हैं भैया राइडर्स, परसों ज़्यादा काटेगा ना। आ गई मैगी भाई, और ऐसी लोकेशन पे और उन्होंने मुँह पानी आना उसी से देखी थी, मैगी वगैरह खा के आओ ना, डाउन उतरे, डाउन आराम से उतरेंगे ताकि नीचे ज्यादा हमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े, अपने जो व्हील है उनका हम उतरेंगे उसी हिसाब से ना, कि नीचे आधा घंटा तोड़ना ना पड़े व्हील ठंडे करने के, क्योंकि आगे वैसे भी फुर्तीला चढ़ाई आ जाएगी, तो गाड़ी पे चढ़ाई जाना शुरू हो जाएगी व्हीलों को, कोई
देखो यहाँ पे 14 चक्का थी चाहिए थे। हाँ 14 चक्का ट्रेलर है, 14 नहीं यार 12 ही आगे वाला एक्सल का पीछे आ गया है। उसके टायर सब पता नहीं चोरी हो गए या क्या हो गया यार, कुछ भी नहीं बचा गाड़ी का यार, टायर चोरी हो गए होंगे। यहाँ पे सुनसान जगह, नेटवर्क भी नहीं है ना। जेस लगा था भैया सब्जी बनाने के लिए उस गाड़ी में, सब्जी ये है तड़का वाली मुझे याद है सब्जी यहाँ पे है। आप वो पीछे लगी गाड़ी है, यहाँ से बुला दूंगा। आराम बच गए और अभी होने वाली है फुर्तीला वाली चढ़ाई स्टार्ट। वाली डाउन उतरेंगे वो आगे से स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो टॉप। चावल बन गए, चावल बन गए, सब्जी भी दूसरी गाड़ी में पक रही है। तो टॉप पे पहुंच गई एक, जब फुर्तीला डाउन उतर के खाना खाएंगे तब तक गाड़ी भी ठंडी हो जाएगी ना और खाना भी अपना हो जाएगा, क्योंकि टाइम बचाएंगे। फिर चलते हैं गुरुद्वारा पत्थर साहब, वहाँ पे नहा धो के दर्शन करके प्रसादा छक के फिर निकलेंगे आगे के लिए। और यहाँ पे पिछली बार से ट्रैफिक कम है, सिर्फ टूरिस्ट हैं, बाइक वाले ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि अपना मतलब मौसम सही हो गया। पिछले चक्कर में तो गर्मी थी ज़्यादा है, इस चक्कर भी थोड़ी फर्क पड़ा उससे भी। ये गाड़ी जा रही है एयरपोर्ट, हमने एफ सी भरी है, सीमेंट भरा है, आगे फुटते हैं। दुकान से कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं क्योंकि पिछली गाड़ियाँ बहुत पीछे, वो टॉप जाना है पूरी। यहाँ दुकान है शायद, हाँ वो बाहर है। वहाँ पे गाड़ी अपने चक्के ठंडे हो जाएंगे। और बाइक से भी की बात, बाइक देख रहे हो भाई, सुपर बाइक्स। बाबू चलते हैं अनजोई के पास, मुझे लगा भाई ने कैमरे लगाए ना, गोप्रो लगाए, हेलमेट, मुझे लगा व्लॉगिंग करते हैं, बट नहीं यार व्लॉगिंग नहीं करते, सिर्फ वो वीडियो शूट कर रहे हैं ऐसे अपनी मेमोरीज के लिए। ठंडी है भाई, चलो मन पे कर रहे हैं। हाँ एक बिस्तर दें यहाँ पे ना, आराम से धूप के पास। दूसरी गाड़ी भी पहुंचे, कल से तिरंगा बांधा हुआ तो आज तिरंगा को खोला। दो गाड़ियां अपनी आ गई, तीसरी पीछे रह गई। चार मैंने बना दिए थे, राजेश भाई यहाँ पे थे, उन्होंने खाना बना दिया, बस वो गाड़ी आती है लगाते हैं, वो भी बर्तन निकालते खाना खा के फिर यहाँ से निकलेंगे आगे। एक बार बाहर का व्यू देखो मस्त, पता कितनी ज्यादा ठंड है। आ गई भाई वो गाड़ी भी आ गई अपनी, करण ब्लॉग्स को बोलते हैं, दबाओ चलो 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 खाना खाएंगे अब। चलो ये गाड़ी भी आ गई, अभी आ चुका मैं करण भाई के गाड़ी के टोल के ऊपर। यहाँ से अपनी गाड़ी के मस्त रीले शूट करेंगे, पूरा व्यू रिकॉर्ड करेंगे, कितना सही लग रहा है यार। पीछे पीछे अपनी एक और आ रही है, 12 चक्का निकल पड़े यहाँ से। मैं और जैसे यहाँ पे गौरव बैठा उस गाड़ी के ऊपर, कुछ रील भी शूट करेंगे ना। एक गाड़ी अपनी आगे और एक पीछे। ये जगह मुझे काफी सबसे प्यारी लगती है, इतने मोड़ है ना, मतलब पूरी रोड ही रोड दिखती है नीचे। जहाँ पे चलने का इसलिए ज्यादा मजा आता है ना, एक बजे देखो ट्रैफिक नहीं है और बिल्कुल शांति, आराम से चलो, खाना अपना बनाओ आराम से, इन पहाड़ों पे खूबसूरत पहाड़ों में बैठ के खाना खाओ। पहले मैं खाना ऊपर खाने वाले थे, फिर मैंने बोला यार देखो डाउन उतर के गाड़ी गर्म हो जाएगी ना, वहाँ नीचे उतर के रुक के खाएंगे, गाड़ी भी ठंडी हो जाएगी, गाड़ी को रेस्ट मिल जाएगी और हमारा खाना पीना भी हो जाएगा।
शूट कर दी अपनी, जो भी वीडियो शूट करनी थी कर दी, दोनों गाड़ियां यहां से अपने आगे चलेगी। मैं आ चुका हूँ कर्ण भाई की गाड़ी में, गाड़ी देखो और लुक देखो, कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है भाई। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, अनुज भाई ने सब कुछ डेकोरेशन उतार दी जो कि मुझे भाई बहुत बुरा लगा। मैं चाहता हूँ ऐसी गाड़ी सच्ची होनी चाहिए, अनुज भाई बोल रहे नहीं नॉर्मल रखनी है। माना कि आगे कम दिखता है, देखो कितना मतलब आगे बुरा ये आ जाता है ना, आगे कम दिखता है, बट लुक इसी में है, मज़ा इसी में है, शौक शौक होता है। मतलब मज़ा इसी में है यार। देखो यहाँ पे छोटा सा ट्रक भी, मिनी ट्रक, वो भी 10 चक्का, मैंने भी रखा था हमारा बहुत बड़ा था, पूरे लगाए हैं डेकोरेशन, अपनी गाड़ी में भी लगाएंगे जल्दी। लगाई गाड़ी यहाँ पे, अब यहाँ पर खाएंगे खाना, गाड़ी को लगाते हैं पत्थर, शाबाश शाबाश, टायर करो ठंडे, खाना खाओ टायर करो ठंडे। आधा डाउन उतर लिया, यहाँ पे खाना खाएंगे फिर यहाँ से आके निकलेंगे। तो यहाँ पे अभी खाना भी खा लिया, चाय भी पी ली अपनी बनाई थी चाय। तो यहाँ पे अभी पानी भर रहे हैं सभी, पानी होना चाहिए अपनी गाड़ी में क्योंकि इंसान फिर मैगी वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। तो फिर मेरे को नहीं लगा, टेपर लगा दिया भैया ने, अब सब गाड़ियाँ रिवर्स होंगी तो फिर गाड़ी निकलेंगी। डाउन उतरे लामा चूरू उतराई, वो भी आगे में जल्दी निकल आया था, सब डिले है ना, फिर तो सफ़र निकलेगा नहीं, फ़ायदा क्या, गाड़ी ज़्यादा हो जाएंगी फिर गाड़ी खाली नहीं होगी, फिर वहाँ 2-3 दिन रुकना पड़ेगा। यहाँ पर टायर ने थोड़े पूरे बढ़ा के लेने पड़ते हैं, तो टायरों को काफ़ी नुकसान, यहाँ से यहाँ चलेंगे हम रॉन्ग साइड पूरा, यहाँ से वापस अपनी तरफ। गौरव ब्रश कर रहा है 3 बजे शाम को, सबसे खतरनाक डाउन। और ना पहला इंजन ब्रेक मेरी काम ही नहीं कर रही थी, इसे चक्कर भी कुछ काम भी नहीं करवाया, अभी भी सुबह से नहीं करती, पता नहीं इसको अभी 1 घंटे से क्या हो गया, अब ओके चलने शुरू हो गई है। वहाँ नीचे जा रहा है, ये डाउन है सबसे खतरनाक वाला, एकदम से पूरा खड़ा डाउन है, देखो नीचे गाड़ी ना, चलो 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 चलो, हाँ क्लियर है, चलो 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 चलो। पीछे अपनी गाड़ी आ गई, एक दूसरी गाड़ी अपनी दिख ही नहीं रही पीछे की, कैसा टर्न था यहाँ पे, बाइक सब कनेक्ट रही है ना भाई, हार मार के देख रहे हैं आगे भी गाड़ी। यहाँ पे होती है एंट्री, हमारी तो एंट्री होगी, अब भाई भी जा रहे हैं अपनी एंट्री करने। कितना रह गया लद्दाख यार, लद्दाख 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 92। वाओ भाई, 2 घंटे का रास्ता मानो, 2 से 2.5 घंटे का, आज 4:30 हो गए तो गुरुद्वारा साहब हम पहुंचेंगे तकरीबन 7 बजे यार, 8:30 हम पहुंचेंगे लेह लद्दाख। अगर गुरुद्वारा साहब के नहाने का प्लान ना बना, वहाँ पे वाशरूम कहना है ना, तो नहाए तो नहीं, तो अगर तो दर्शन करके निकल पड़े तो फिर तो जल्दी पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे तो पहले धूप थी, अब धूप मतलब धूप तो है पर हम पहाड़ों के नीचे नीचे ना, तो यहाँ धूप ही नहीं आ रही है। और इस एरिया में यहाँ से लेके गुरुद्वारा पत्थर साहब तक ना मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल ही कम है, यहाँ पे गाड़ी ना बिल्कुल स्लो चल के बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चढ़ाती है, मतलब इंजन हीट हो जाता है, जैसे टेम्परेचर मीटर नहीं बताता रहता है कि गाड़ी कितनी अभी गर्म हो रही है, जब ज़्यादा ओवर हीट हो जाए रुक जाओ भाई, फिर गाड़ी तो ठंडी होने, फिर चलो क्योंकि ये भी मशीनरी है भाई, इंसान कितने दौड़ता रहेगा, कुछ टाइम आगे चढ़ाई चढ़ेगा दौड़ दो के थक जाएगा, प्लान में अलग बात है, प्लान में चलो वो कांटे चलती रहती गाड़ी, जो केला पर कहते तो कांटे चलते हैं हम, नजदीक के साथ पूरी सीधी रोड, मतलब इस रोड में चलना 4 लाइन में चलना एक ही साथ, मतलब कोई टेंशन नहीं इतना बड़ा, जब मोड़ आते तो एकदम खतरनाक वाले मोड़ आपको बिल्कुल आराम से मुड़ना पड़ता है। और यहाँ पे बाइक का टेम्पो हो गया खराब, बाकी खुली रोड है कोई दिक्कत नहीं आ रहा, बस है कि थोड़ा आराम से चलना है, कोई रास्ता भी खतरनाक कौन सा रास्ता, जब कच्चा रास्ता है जहाँ इसमें गाड़ी पलट रहे हैं खतरे, तो साफ रोड है भाई, यहाँ नीचे पानी और पानी काफ़ी ठंडा है यार। तो आगे से भी ट्रक आ रहे हैं कुछ जो खाली हो गए होंगे आज, भाई पता नहीं यार खाना भी खाने से भूख लग रही है, चावल खाते ना चावल जल्दी मतलब हजम हो जाते हैं, रोटी अपनी आदत पड़ी है रोटी खाने की, तो शाम को मुझसे चावल ही आज। ये गाड़ी आ रही है भाई, आप बताएं ये कवर क्यों है, मतलब देखो ये गाड़ी है ना इसमें कोई कलर नहीं है, रैप की भी पूरी है ना, ऐसा क्यों भाई, मतलब पूरी कागज टेम्परेरी नंबर है, एक और इसके साथ में इसकी साथ वाली गाड़ी पर वो पीछे रह गई है, जाके चली गई है। चलो 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 ऑल क्लियर, चलो 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 चलो, पीछे अपनी पूरी फौज आ रही है, मतलब पूरी मानी कुल मिला के 2 गाड़ियाँ हो रही, चलो 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 चलो। क्या है ब्रा, एक स्मार्ट वॉच एक भाई ने हमें गिफ्ट दी थी अपने भाई कुबेर से थे, मतलब अपने रिश्तेदार चोरी गई है, उन्होंने हमें मिले थे गिफ्ट दी भाई, वॉच
गाने तो बोलेगी स्मार्ट वॉच है, गाने तो बोलेगी। राजेश को समझ नहीं आ रही, हो क्या रहा है, कंफ्यूज हो गए। चलो लगाओ ट्राई। अबे नेटवर्क से ब्लूटूथ का मसला ही कोई नहीं है कनेक्ट करने का। कर यार। हाँ भाई टेम्परेचर बिल्कुल स्लो यार, स्पीडोमीटर नहीं चल रहा ना। वैसे स्पीडोमीटर की हमें खास जरूरत भी नहीं पड़ती है, बस अपना आरपी ओ 15 से नीचे नहीं करना, 15 के आरपी में चढ़ना है। अगर ग्रीन पे चलेगी तो भाई सही है, तेल भी सेट खाएगी और गाड़ी भी गर्म नहीं होगी, सही रहेगी। टेम्परेचर देखो जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा फिर मैं इसको 2 नंबर लगा लूँगा, फायदा नहीं है फिर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि ज़्यादा चढ़ाई तो कम ही है, बट यहाँ पे बिल्कुल ऑक्सीजन कम है यार। तब से परेशान राजेश क्या कर रहा था, ब्लूटूथ ऑफ करे, गौरव आप गाना बंद कर दे ब्लूटूथ, तो गाना गौरव ने ध्यान दिया, राजेश जल्दी बंद कर दी गौरव गाना, फोन पर उसको पता लगे तो कब से कंफ्यूज हो रहा था। देखो भाई यस, तब से 5-10 किलोमीटर चलेंगे चढ़ाई ऐसी स्पीड में, तब से कर रहा है सच कर रहा है। वही ना चिड़चिड़ापन देखो, ये देखो भाई देखो आप। अभी राजेश से कल आपको तगड़ा प्रैंक देखने को मिलेगा, तगड़े वाला, बस रोए ना बस। अब गुरुद्वारा साहब थोड़ा ही रह गया, तकरीबन 4-5 किलोमीटर, वहाँ थोड़ी देर रुकेंगे यार, फिर नंबर लग जाए, चलो एक दिन 2 दिन में खाली हो जाए गाड़ी। यहाँ पे एक चीज़ है ना, गाड़ी अभी मतलब यहाँ पे इन चढ़ाई में 3 नंबर चढ़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है यहाँ से मोड़ मोड़ के 4 भी चढ़ेगी, बट है कि ऑक्सीजन ना होने की वजह से, देखो गाड़ी को भी कितनी हवा जरूरी है, गाड़ी को हवा नहीं प्रॉपर मिल रही ना एयर फिल्टर से, तो गाड़ी टेम्परेचर चढ़ा रही है, मतलब इंजन गर्म हो रहा है उसको हवा नहीं लग रही है, ऑक्सीजन की कमी है ना, तो फिर हमें एडवांस में 2 नंबर लगा गया 1 नंबर लगा के जितना बाहरी गियर का उसमें आराम से चलेगी गाड़ी को, जोर कम पड़ेगा तो टेम्परेचर अभी देखो कितना हो गया ना, हम 2 नंबर जा रहे हैं बिल्कुल आराम से। बस ये एक और चढ़ाई है इसके आगे सीधी सी, वहाँ पे वही ATV वही बाइक्स होती हैं वो वहाँ पे मिलेंगी, उसके बाद सीधा गुरुद्वारा साहब, और वहाँ से 15-18 किलोमीटर यहाँ हमको खाली करनी है FCI गुरुद्वारा पत्थर साहब, बस वो गाड़ियाँ तो फिर निकलेंगे यार। सब गाड़ियाँ पहुँच गई, भाई ने भी गाड़ी काफ़ी सजा के रखी, बाकी दिल को आपने दिखाई थी भाई का चैनल करण व्लॉग्स करके, तो भाई ने भी मोमडा लिखवाया, मस्त लाइट है, इंडिकेटर देखो ऊपर मस्त मस्त लग रहे हैं अपनी गाड़ी पे भी। अब निकलते हैं यहाँ से आके, एक बार अब चलते हैं, भाई को बोलता हूँ ना मैं। गुरुद्वारा साहब से निकल गए तो सभी गाड़ियाँ आ गई साथ में, अब ना वो जो पवन भी है उनको पता नहीं अब से ही किधर है, मैं भी थोड़ा आराम से चलूँगा। दूसरी गाड़ी को सीमेंट है वो, पर वो भी नो एंट्री के बाहर का है, मतलब फ्योंग के पास ही, अब देखते हैं यार जाने देंगे तो ठीक है यार, यहाँ गाड़ी गियर ही नहीं पकड़ती बिल्कुल भी, थोड़ा चढ़ाई है फिर डाउन है यहाँ से।